सिटीजन होने के साथ आपको ये तो पता ही होगा कि आधार कार्ड हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि अलग अलग तरह के भी आधार कार्ड होते हैं और उनके कलर्स भी अलग होते हैं। तो आमतौर पर जिस आधार कार्ड का इस्तेमाल हम करते हैं वो वाइट कलर का होता है और उस पर ब्लैक कलर के लेटर्स होते हैं, लेकिन इससे अलग भी एक आधार कार्ड होता है जो कि हम अडल्ट्स के लिए नहीं बच्चों के लिए होता है, जिसे चाइल्ड आधार कार्ड बोला जाता है। और इस आधार कार्ड का जो कलर है वो हमारे नॉर्मल आधार कार्ड से डिफरेंट होता है और ये ब्लू कलर में बनाए जाते हैं, तो आमतौर पर इन आधार कार्ड्स को ब्लू आधार कार्ड भी कहा जाता है। तो ऐसे में आपने कभी सुना होगा ब्लू आधार कार्ड और आपने सोचा होगा कि यार ये किस लिए यूज़ होता है, तो ये वीडियो ना आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। सो ऐसे में UIDAI बच्चों के लिए आधार कार्ड जारी करती है और इसे, जैसे कि मैंने बताया, ब्लू कलर में बनाया जाता है और इसे बाल आधार भी कहते हैं। तो बहुत सारे नामों से इस आधार कार्ड को जाना जाता है और UIDAI के मुताबिक जो नवजात बच्चे होते हैं, यानी कि जिनकी उम्र 5 साल तक होती है, उन्हीं के लिए ये आधार कार्ड वैलिड होता है। और ये आधार कार्ड बनवाने के लिए बच्चों का बर्थ डिस्चार्ज सर्टिफिकेट और पेरेंट्स यानी कि गार्जियंस का जो आधार कार्ड है वो होना ज़रूरी होता है। तो इन दोनों डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए ही आप ब्लू आधार कार्ड बनवा सकते हैं। सो ये जो ब्लू आधार कार्ड है इसमें हमारे नॉर्मल आधार कार्ड की तरह 12 नंबर्स मेंशन होते हैं और जैसे कि मैंने बताया कि 5 साल के बच्चे और उनसे कम उम्र वाले बच्चों के लिए कार्ड वैलिड होता है, लेकिन उसके बाद आपको ये आधार कार्ड टाइम टू टाइम अपडेट भी करवाना होता है। अगर इसे आप 5 साल की उम्र तक अपडेट नहीं करवाते हैं तो ये आधार कार्ड इनवैलिड हो सकता है और आप आने वाले टाइम में इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और इस पीरियड के ख़त्म होने के बाद ये आधार कार्ड्स इनएक्टिव हो जाते हैं। अगर आपने ब्लू आधार कार्ड बनवाया है और आपका बच्चा 5 साल का है तो 5 साल तक ही इसकी लाइफ होती है, 5 साल के बाद इस आधार कार्ड का इस्तेमाल आप नहीं करवा पाएंगे। अब इसमें एक बड़ा अपडेट ये भी है कि 5 साल तक के बच्चे के लिए जब आधार कार्ड बनता है तो उसके लिए बायोमेट्रिक की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन जब आपका बच्चा 15 साल का हो जाता है तब आपको आधार के लिए बायोमेट्रिक अपडेट कराना ज़रूरी होता है। तो उसमें एक रूल ये भी है कि UIDAI के मुताबिक नवजात बच्चों का जो फिंगरप्रिंट है वो नहीं लिया जाता है, लेकिन जब आपका बच्चा 5 साल का हो जाता है उसके बाद आपको अपने पास के किसी भी आधार सेंटर पर जाकर उसे अपडेट करवाना ज़रूरी होता है। और आप ऐसा नहीं करते हैं तो भी आपका जो आधार कार्ड है वो इनवैलिड हो जाएगा और आप उसको यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ब्लू आधार कार्ड बनवाना कैसे है, तो उसके स्टेप्स बहुत सिंपल है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको अपने बच्चे को एनरोलमेंट सेंटर ले जाना होगा और वहाँ जाके आपको फॉर्म फिल करना होगा। फॉर्म फिल करते टाइम आपको अपना आधार कार्ड या जो भी बच्चे का गार्जियन है उसका आधार कार्ड देना ज़रूरी है। फिर उसके बाद आपको एक फ़ोन नंबर देना होगा और ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद ही आपका जो ब्लू आधार कार्ड है वो जारी किया जाएगा। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ब्लू आधार कार्ड के लिए बायोमेट्रिक्स डिटेल्स देना ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन इसके लिए आपको अपने बच्चे का एक फ़ोटो क्लिक कराना होगा। सो वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद विद इन 60 डेज में आपके बच्चे का ब्लू आधार कार्ड जारी हो जाएगा। तो बहुत सिंपल स्टेप्स हैं, इसके लिए आपको अपने नियर आधार सेंटर पर जाना ज़रूरी है और इन सब स्टेप्स को फॉलो करके विद इन 60 डेज आप अपने बच्चे का ब्लू आधार कार्ड बनवा सकते हो। तो ये जानकारी उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जो बाहर ट्रैवल करते हैं, जो अपने बच्चे का आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं या जिनके बच्चे की उम्र 5 साल या उससे कम है। उन लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। या फिर आपके मन में भी डाउट्स था या आपके फ्रेंड्स या फैमिली में किसी को नहीं पता था कि ब्लू आधार कार्ड क्या होता है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, साथ ही उनको अवेयर कराने में भी मदद करेगी। सो अगर इस प्रोसेस में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है या इससे रिलेटेड कोई और जानकारी आप जानना चाहते हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। और ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहना तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें।